थाना सदर सरस्वती विहार में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ऐसा बताया गया है कि चाकू से गला रेत कर हत्या को अंजाम दिया गया है। काफी समय से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। ये तस्वीर मंजू की है, दूसरी तस्वीर मंजू के पति गोविंद की है। मंजू की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप पति गोविंद पर है। थाना सदर ग्वालियर रोड सरस्वती विहार में उस समय सनसनी फैल गई जब मंजू नाम की महिला की हत्या की खबर फैली। मंजू की हत्या गला रेत कर पति गोविंद ने की। ऐसा बताया गया है पति पत्नी के बीच शक चल रहा था और इसी शक ने बात इतनी बढ़ा दी, मंजू की जान पति ने ले ली। विवाद काफी समय से चला आ रहा था। शुक्रवार को भी विवाद हुआ था। मंजू नराइज की रहने वाली थी जिसकी शादी काफी समय पहले गोविंद से हुई थी। गोविंद ग्वालियर रोड सरस्वती विहार सेवला में रहता है। तीन बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी अदिति 11 साल की है, 6 साल का देवांश है और 5 साल की बेटी देवांशी है। ऐसा बताया गया है पति पत्नी के बीच विवाद था और इसी विवाद में चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। भाई बताता है चाकू से चेहरे पर भी हमला किया गया था। मंजू की हत्या के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच जाते हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, चाकू बरामद किया जाता है और गोविंद को हिरासत में लिया जाता है। आज दिनांक 13 अप्रैल 2024 को थाना सदर पर सूचना मिली कि एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना सदर सिवला जाट जो मौके पर पहुंची और वहां पर देखा कि महिला का शव पड़ा हुआ है, रक्त और चाकू जो सब्जी काटने वाला होता है उससे उस पर प्रहार किया गया महिला। शव को तत्काल थाना पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर मॉर्चरी भिजवा दिया गया है और अभियुक्त जो कि मृतका का पति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और तहरीर लेकर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना सदर पर आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी शक क्या शक जिसके चलते पत्नी के खून से अपने हाथ लाल कर लिए। मंजू और गोविंद के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चला आ रहा था। शुक्रवार की रात को भी विवाद हुआ और उसके बाद गोविंद ने अपनी पत्नी मंजू को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल ये उठता है आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा क्या विवाद था जिसके चलते गोविंद ने बेरहमी के साथ गला रेत कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा भी नहीं था कि शादी फिलहाल में हुई थी, शादी के कई साल बीत चुके हैं, 3 समझदार बच्चे भी हैं। इसके बावजूद पति पत्नी के बीच ऐसी जंग छिड़ी जिसने पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद पति ने सुला दिया। पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।